बंदरों की लड़ाई तो आपने काफी देखी होगी, लेकिन क्या आपने 100 बंदरों को एक साथ लड़ते हुए देखा है? कुछ ऐसा ही वाक्या थाईलैंड के मशहूर टूरिस्ट प्लेस लोपबुरी में देखा गया। नमस्कार, मैं हूं ऐश्वर्या गुप्ता, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज नेशनल पर। थाईलैंड में 100 से ज्यादा बंदरों के दो गुटों के बीच लड़ाई का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में बंदरों का एक बड़ा झुंड सड़कों पर एक दूसरे से लड़ते हुए दिख रहा है। इस दौरान सड़क से गुजर रहे लोग घंटों अपनी जगह पर खड़े हो गए। इस गैंग वॉर के दौरान बंदरों की चिल्लाने की आवाज इतनी ज्यादा अधिक थी कि सड़क पर कार लिए खड़े लोग डर के मारे अंदर ही दुपक गए। घटना मध्य थाईलैंड के मशहूर टूरिस्ट प्लेस लोपबुरी का है। ये शहर पुराने बौद्ध मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। घटना का ये वीडियो रिकॉर्ड करने वाले एक शख्स ने बताया कि ये पूरा वाक्य लोपबुरी में फ्राकान मंदिर और प्रांग साम ग्योत के आसपास का है। ये शख्स जब अपने घर के थर्ड फ्लोर पर सफाई कर रहा था, उसी दौरान बंदरों के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। जब उसने बाहर झांक कर देखा तो 100 से ज्यादा बंदरों के दो गुट सड़क पर एक दूसरे पर झपट रहे थे। ये माजरा करीब एक घंटे से ज्यादा देर तक चला। इस दौरान सड़क से गुजर रहे कार और बाइक पर सवार लोग जहाँ खड़े थे वहीं रुक गए। बंदरों के इस गैंग वॉर में घंटों ट्रैफिक जाम रहा। बंदरों का एक गैंग प्राचीन मंदिर के भीतर रहता है, जो एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। दूसरे गैंग का बसेरा यहाँ एक खाली पड़ा सिनेमा घर है। बंदरों की ऐसी लड़ाई यहाँ आम है, लेकिन पहली बार इतनी ज्यादा संख्या में बंदरों को लड़ते देखा गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि लोपबुरी में इस टूरिस्ट प्लेस पर भारी तादाद में बंदर रहते हैं। यहाँ आने वाले टूरिस्ट के भरोसे ही इन बंदरों का पेट भरता था। वे उनको मीठा भोजन लाकर खिलाते थे, लेकिन कोरोना के कारण सरकार ने देश भर में लॉकडाउन की घोषणा करने पर यहां टूरिस्ट का बाहर से आना बंद हो गया। स्थानीय लोगों का रोजगार भी इन्हीं टूरिस्ट के भरोसे चल रहा था। लॉकडाउन प्रतिबंधों के बाद स्थानीय लोगों का रोजगार तो प्रभावित हुआ ही, साथ ही बंदरों के पेट भरने पर भी पाबंदी लग गई। इससे पहले मार्च 2020 में भी बंदरों की कुछ ऐसी ही लड़ाई देखने को मिली थी, हालांकि तब इनकी तादाद इतनी ज्यादा नहीं थी। कई लोगों ने तर्क दिया कि टूरिस्ट ने इन बंदरों के व्यवहार को बदल दिया है, क्योंकि ये जानवर अब बाहर से आने वाले लोगों से खाना मिलने की अपेक्षा करते हैं। जब ये नहीं मिलता या जरूरत से कम मिलता है तो एक दूसरे से लड़ पड़ते हैं। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया न्यूज नेशनल।